Hello everyone, myself Bubbly and I welcome you all in Maths Teacher YouTube channel. In this video, we are going to study about the variation of value of G in poles and equator. मतलब जो हमारी अर्थ है वो दो parts में divided होती है, एक equator होता है and poles होते हैं, north and south poles. तो हम इस video में ये देखेंगे कि gravity की value poles में ज़्यादा होती है या कम होती है, या इक्वेटर में ज़्यादा होती है कम होती है. ठीक, सो दे कैन आस्क दिस इन कंपैरिजन फॉर्म कि पोल्स और इक्वेटर में ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है. तो वही हम देखते हैं. सो दिस इज दी अर्थ. आई हैड ड्रॉन दी डायग्राम ऑफ अर्थ. सो दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल. ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. राइट, सो अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है वैल्यू ऑफ जी पे. तो हमने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, कैसे याद किया था हमने, गुड मॉर्निंग राजू रोशनी करके, है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, G और R के, R यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट बताया था ना मैंने. सो G एंड R के बीच में हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, दैट इज G इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वॉट आर स्क्वायर. ये मैंने बताया था ना, ऐसे हम कर सकते हैं. यहाँ पे G तो कॉन्स्टेंट है ही एंड मास ऑफ द प्लैनेट वो भी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ऐसा तो नहीं है मास ऑफ द प्लैनेट है वो चेंज हो जाए. ठीक है, तो इन दोनों को हमने कांस्टेंट ले लिया एंड जी और आर के बीच में हमने क्या किया, एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया. सो जी एंड आर स्क्वायर इवन, ठीक है, आर स्क्वायर है ध्यान रखो. सो जी एंड आर स्क्वायर के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रपोर्शनल का है. सो इनवर्सली प्रपोर्शनल रिलेशन में क्या होता है, एक टर्म की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरे टर्म की वैल्यू घटेगी. ठीक है, यही होता है इनवर्सली प्रपोर्शनल रिलेशन. तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. ये सर्कल नहीं है, ये क्या, ओवल शेप है, एलिप्टिकल शेप है, कैपलर ने बता दिया था. राइट, सो अगर हम इक्वेटर की बात करें, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस वन विल बी रेडियस ऑफ इक्वेटर, बोल सकते हैं इसको रेडियस ऑफ इक्वेटर. ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ इक्वेटर. सो रेडियस ऑफ इक्वेटर एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ पोल क्या है, बड़ा होगा, बड़ा ही होगा ना, ये वाला साइज बड़ा होता है. ये अगर आप ओवल शेप देखोगे तो ये वाला साइज बड़ा होगा ना, एंड दिस साइज इज स्मॉलर. सो रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल. एंड रेडियस एंड ग्रेविटी, या हम बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा उस वहाँ पे ग्रेविटी उतनी ही कम होगी. एंड हेयर वी नो दैट रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल्स. ठीक है, पोल्स का रेडियस कम है, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी एट पोल्स. समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है. ठीक है, अगर हम इक्वेटर के रेडियस की बात करें तो वो ज़्यादा है, तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी. एंड रेडियस ऑफ पोल्स की बात करें तो वो क्या है, कम है, तो अगर रेडियस कम है तो वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है. सो यही इंपॉर्टेंट है, यही कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से. सो यही यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर. ठीक है, मतलब पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है एंड इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है. अब थोड़ा सा हम कंसेप्चुअल बातें करें ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए. तो देखो, सो ऐसा कोई सामान जो बाई वेट बिकता हो, जैसे कि क्या होता है, दाल चावल. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाई वेट उनको लेते हैं ना, केजी के हिसाब से लेते हैं, एक किलो दो किलो. सो ऐसा सामान जो बाई वेट बिकता हो, तो अगर हम उसको इक्वेटर से ले जा करके पोल्स में बेचें तो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि मान लो हम यहाँ से दो केजी ले गए. ठीक है, कोई सामान था, यहाँ से हम दो केजी ले गए, यहाँ पे ग्रेविटी कम है. ठीक है, तो हम दो केजी ले जाएंगे, लेकिन पोल्स में ग्रेविटी बढ़ जाएगी, तो वही दो केजी का वेट अब क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, दो केजी का वेट दो से ज़्यादा होगा. ठीक है, दो से ज़्यादा, बिकॉज वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज मोर. तो जो सामान हम यहाँ पे दो केजी का ले गए थे वो पोल्स में जाके दो केजी से ज़्यादा का हो जाएगा, तो हमारा तो फायदा हो गया ना, सेम अमाउंट सेम है लेकिन वजन बढ़ गया. अब इसका उल्टा करो, अगर पोल्स से कोई सामान लेकर के हम इक्वेटर पे बेचने आए, ठीक है, तो पोल्स में ग्रेविटी ज़्यादा होती है, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, सामान का वजन भी ज़्यादा होगा. इक्वेटर पे ग्रेविटी कम हो जाती है तो सेम अमाउंट ऑफ सामान का वजन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा. ठीक है, सो ये तो लिखने वाली बात नहीं, जब समझने वाली बात थी. ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. कंक्लूजन ये निकला है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑल राइट, सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला वो मैंने लिख दिया है. सिंस रेडियस एट पोल्स इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर, याद रखो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन में उल्टा होता है,
याद रखने की ट्रिक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, कम होगी। सो इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होगी, ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एंड पोल्स का रेडियस कम होता है तो वहां ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसको याद करने का तरीका, मैंने एक छोटा सा निमोनिक्स बनाने की कोशिश की है। ईगल, ईगल होती है ना, ठीक है, बर्ड होती है जो, तो वो मैंने यूज़ किया है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। E फॉर क्या हो गया आपका, इक्वेटर, ठीक है। G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड L फॉर लेस, मतलब इक्वेटर्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस, एंड जस्ट उसका उल्टा आप याद रख सकते हो कि पोल्स में क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप जैसे चाहो निमोनिक्स बना के याद रखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना तो बहुत मिस्टेक होती है, अक्सर हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो आप निमोनिक्स बनाते हो या फिर तो आप कोई ट्रिक निकाल लेते हो, ठीक है, उसको याद रखने की, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बिकॉज कितना भी हम याद रखें कभी ना कभी मिस्टेक हो ही जाती है। सो बेस्ट है कि बार बार रिवाइज करो, एंड थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं उनको बनाना सीखो अभी से, आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो नोटेड डाउन। सो नाउ द क्वेश्चन आंसर्स राउंड। क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 kg। मतलब एक बॉडी है जिसका हमें मास दे रखा है 10 kg, एंड उसमें पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना प्रोड्यूस हुआ है, एंड दैट बॉडी इज फ्री फॉल, फ्रीली फॉलिंग, ठीक है, फ्री फॉल। सो इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी और इन फ्री फॉल क्या होता है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडीज पे, मास पे नहीं डिपेंड करता है, वो सब पे बराबर ही प्रोड्यूस होता है। कितना होता है, दैट कुड बी ईदर 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूज फ्रॉम द ऑप्शन कौन सा दे रखा है, और दोनों लिख के आओगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इट्स 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक ऑब्जेक्ट है उसको आपने हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्ट था, इट एक्सेलरेट्स एंड फॉल्स डाउन, तो ये नीचे गिरेगा, वी नो। नेम द फोर्स विच एक्सेलरेट्स द ऑब्जेक्ट, किस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कौन सी फोर्स होती है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं इस चैप्टर का, एंड जितने हमने फॉर्मुलेस पढ़े अभी तक दो ही पढ़े हैं, एक तो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कौन सा था हमारा, एफ, जिसमें हम क्या करते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते थे, दैट इज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एंड दूसरा फॉर्मूला हमारा था जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे जो R है वो रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, यहाँ पे जो R है वो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें F कैलकुलेट करना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 50 kg एंड 120 kg। मतलब M1 हमें दे रखा है 50 kg, M2 हमें दे रखा है 120 kg, कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर, और आर दे रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चेतावनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक्स करते बच्चे यहीं पे स्टक होते हैं, आर स्क्वायर है ये, आर नहीं है, आर स्क्वायर है, कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो जी की वैल्यू आपको याद रखनी कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, एंड एम वन इज हाउ मच, 50। अच्छा ये भी चेक कर लेना कि मास किस में दे रखा है, मास को केजीज में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, 120 है M2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 10 × 10, ठीक है। अब काटते हैं हम इसको, 0 से 0, ये वाला 0 इससे कट जाएगा, एंड 12 × 5 = 60, तो कितना हो जाएगा ये, 6.67 × 6, तो 7 × 6 = 42, 4 × 6 = 36, 40 × 4 = 36, 40, सो इट सो हमारा कितना आ गया ये 40.02, ओके। और 10 और होगा यहाँ पे, 10 क्यों होगा, क्योंकि 12 × 5 = कितना होता है, 60 होता है ना, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 लिखा था, इसका 10 नहीं लिखा था, तो 10 × कर देंगे हम, ठीक है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी बन जाए। और क्या रह गया, 10 to the power 11 - 11, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40.02, एंड ये जब इससे इंटू का बेस सेम है तो पावर एड ऑन हो जाएंगी, दैट इज़ माइनस 11 और इसकी पावर 1 है, तो हो जाएगा 10 to the power −10, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया, एंड फोर्स है तो फोर्स क्या होगा, न्यूटन, इसकी यूनिट हो जाएगी,
ठीक है, न्यूटन है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है. सो दिस इज द आंसर. सो लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके होमवर्क है, आपको खुद करना है सॉल्व एंड आंसर आपको कमेंट डाउन करना है. दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालनी है आपको. ये जो फॉर्मूला था ना हमारे पास, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ठीक है. सो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, दोनों का आंसर है इसी फॉर्मूले से आएगा. सो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.